छत्तीसगढ़ पाल समाज का मिलन समारोह हाउसिंग बोर्ड स्थित अहिल्या धाम में संपन्न हुआ। समारोह में दुर्ग भिलाई के समाज से जुड़े परिवार शामिल हुए। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और समाज के वरिष्ठों का सम्मान करने के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। वार्ड 29 हाउसिंग बोर्ड स्थित अहिल्या धाम में छत्तीसगढ़ पाल समाज के सदस्यों का मिलन समारोह विविध आयोजनों के बीच संपन्न हुआ। सम्मेलन में दुर्ग भिलाई के समाज से जुड़े सदस्य परिजनों सहित बड़ी संख्या में शामिल हुए। अतिथियों का स्वागत समाज के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पहार से किया गया। तत्पश्चात विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में अव्वल रहे बच्चों को अतिथियों ने पुरस्कृत किया। समाज के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से स्थित छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरिओम सोनी, पाल समाज के अध्यक्ष लोरिक पाल एवं डॉक्टर तेजराम पाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर्वप्रथम मैं छत्तीसगढ़ पाल समाज को हार्दिक बधाई एवं मकर संक्रांति की धन्यवाद देता हूं। और यहाँ मेरी जितने माता बहना आए और जितने हमारे प्रदेश से जितने हमारे पाल समाज के अतिथिगण आए उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये बहुत खुशी का अवसर था और यहाँ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और देखने को मिला कि आज हमारे भाईचारा का एक प्रतीक हुआ और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा। और जितनी नारी शक्ति यहाँ आई हुई है उन्हें मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे छोटे छोटे बच्चे आए और समाज को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आज छोटे छोटे बच्चे अच्छे अच्छे मतलब पुरस्कारित हुए और मैं उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। और मेरा स्नेह सदा इनके साथ रहेगा और भगवान इन पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे। और जितने सारे अतिथिगण आए थे वह हमेशा इस तरह आते रहे और अपना प्यार अपना आशीर्वाद पाल समाज भिलाई को बरसाते रहे। आज छत्तीसगढ़ के इस्पात नगरी भिलाई में छत्तीसगढ़ पाल समाज का स्नेह सम्मेलन पारिवारिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें हमारे भिलाई नगर के सभी पाल समाज के सदस्यों ने स्नेह मिलन किए और सुबह से लेकर के शाम तक रंगोली दौड़ कुर्सी दौड़ इन सब प्रतियोगिता में भाग लिए या इस प्रकार की समाज को अग्रसित करने की दिशा में बड़ी प्रयास है। और इनकी जो अनुकरण जो है हमारे समस्त राज्यों के गड़िया समाज के पाल समाज के व्यक्ति करेंगे और एकता को हम सब एकता में बांधने का प्रयास करेंगे। चूंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों की संगठन एक ताकत है, हम संगठन दिखाएंगे और इसको संगठन एकता को लेकर के हम राजनीति की शिखर में पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमारे सर्व छत्तीसगढ़ सर्वदलीय महासंघ के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण महतो जी, पाल समाज का एक कई वर्षों से छत्तीसगढ़ कार्यक्रम हो रहा है समाज के प्रदेश अध्यक्ष लगातार आगे बढ़ाने का एक हमारा जिम्मेदारी है। आज मेरे कंधे पे इसका कार्यक्रम का बोझ है या हमारे पूर्वज लोग ने हमारे ये कार्य को देख करके हमारे ऊपर उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और मतलब जैसे हमारे प्रवक्ता पवन पाल जी ने बताया उसे पूरे सही बताया उन्होंने और हम इसमें आगे लगातार कर रहे हैं आगे और काफी लोग मतलब प्रशंसा कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों को जोड़ना आगे बढ़ाना और जो बच्चे पढ़ लिख करके आगे आ रहे हैं प्रोत्साहित करना है हमारा। आइए देखते हैं सांस्कृतिक आयोजनों की खास झलकियां। झलकिया स्वागत करते हुए सभी साथ में आ जाएं, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी सामने आ जाएं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे पदाधिकारियों का। और बाकी अतिथियों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। सभी हमारे अतिथि ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे।